ऐसे लोग जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं आपने से करीबी परसेंट से ज्यादा लोग और उसमें पूरा दिन तैयारी करते हैं ऐसे मॉर्निंग बर्ड्स के लिए क्या तब ये कर सकते हैं कि सुबह उठ के अपटू लंच आवर्स सपोज यहाँ बारह से एक तक सुबह आपने तैयारी शुरू की मान लीजिए दैनिक क्रियाओं के बाद नौ से बारह नौ से एक तक ये तीन चार घंटे सुबह में एक बड़ा जीएस सब्जेक्ट पकड़ लो इकोनॉमी या पॉलिटी उसके बाद लंच लिया लंच के बाद मान लीजिए लंच लिया फिर कुछ और आराम किए तीन बजे से लेके फिर पूरा दिन बैठे लंच से लेके शाम तक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करो उसमें करीब तीन चार घंटे लगा दो ताकि कोई की चार पांच सिलेबस अपने चैप्टर सही से खत्म हो उसके बाद आप समझिए सात आठ नौ बजे जब भी आप डिनर लेते हैं तो मतलब यहां पर इधर से इधर मैं ऑप्शनल करूं फिर ये छ से लेके आठ तक समझिए दूसरा जनरल स्टडीज का सेकंड ऑप्शन जो सब्जेक्ट हो इकोनॉमी या पॉलिटी वो थोड़ा पढ़ू और डिनर के बाद थोड़ा एक आध घंटा और पढ़ लूँ उसको तो तीन चार घंटे मतलब जन स्टडीज के दूसरा बड़ा सब्जेक्ट इकोनॉमी या पॉलिटी में से कोई एक आप खत्म करो और उसके बाद समझिए अभी ग्यारह बजे ग्यारह से बारह में क्या करूं तो कोई स्मॉल सब्जेक्ट पकड़ लो एथिक्स का एक चैप्टर देख लो मैथ्स करो रीजनिंग करो वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस डिपेंडिंग की कौन से फेज में आप हैं प्रश्न ओके है, okay, बराबर तो सुबह में एक जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट शाम को एक जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट और बीच में इधर ऑप्शनल करू और रात को एक एकाध सोने से पहले छोटी कोई चिंदी चीज खत्म करूँ प्रश्न मैं न्यूज पेपर की खत्म करूं न्यूज पेपर तो कहीं भी खत्म कर सकते हैं इट डिपेंड्स ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक सुबह ही पढ़ना है साथ ही साथ आपने सेक्शनल एमसीक्यू पर्टिकुलर जो जनरल स्टडीज के आप इकोनॉमी या कर रहे हैं तो जो भी उसमें प्रीवियस पॉलिटिकीवियस में पूछे गए या कोई मॉक प्रश्न है वो देखते रहिए फुल लेंथ में टेस्ट दे ले क्यू की वो तो अभी टारगेट होना ही नहीं चाहिए पहले पूरा सिलेबस खत्म होने दो वरना ये होगा कि सपोज सौ एमसी क्यू की आप टेस्ट देंगे तो दो घंटे की परीक्षा होती है वो एक घंटे फिर दिमाग में था, थकान की महसूस एक घंटे उसको सॉल्व करेंगे तो चार घंटे तो उसी में बिगड़ जाएंगे फुल लेंथ लेक्यू कब देने चाहिए सौ प्रश्न की एमसीक्यू टेस्ट जब पूरा सिलेबस खत्म आंसर राइटिंग करूं नहीं कम से कम चार से छह महीने जो आदमी पढ़ के बैठा है उसके पास उतना कंटेंट होगा कि वो आंसर राइटिंग करे तो अभी जैसे आज जितना अपने पास टाइम है यू लीव इट टू द लेटर पार्ट की प्रीलिम्स के बाद जो ढाई महीने जितना समय अपने पास है उस वक्त रिविजन के साथ मेन्स आंसर राइटिंग जम के करेंगे अभी तो एक बार पूरा सिलेबस सही से खत्म करते